नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु का भाग 3 करेंगे। बच्चों, यदि पिछले दो भाग आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, आपको ये वाला भाग भी जरूर समझ में आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे एक तो सक्रियता श्रेणी के बारे में कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं और सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करना है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे धातुएं व अधातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, मतलब धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये क्लास अंत तक जरूर देखना, आपको 100% समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो है बच्चों आपके सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि धातुएं जो होती है उनको अवरोही क्रम की जो क्रियाशीलता होती है उनकी, उसमें व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। मतलब सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब घटती हुई क्रियाशीलता के रूप में उनको व्यवस्थित करना है, क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। देखो, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे ज्यादा भी क्रियाशील धातु, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ऐसी श्रेणी जो हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चों, ये है आपके सक्रियता श्रेणी, अच्छी तरह से आप याद कर ले। देखो, सबसे पहले है आपके पोटेशियम, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। फिर उसके बाद आती है सोडियम, फिर उसके बाद आती है कैल्शियम, फिर उसके बाद आती है मैग्नीशियम, फिर आगे है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस मतलब आयरन, फिर लेड मतलब पीबी, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्करी, फिर सिल्वर, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? गोल्ड है। तो बच्चों, ये देखो, ये घटता हुआ क्रम है, मतलब ये अवरोही क्रम में हमने धातुओं की क्रियाशीलता को व्यवस्थित कर दिया, इसे आप क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों, इस सक्रियता श्रेणी को आप ट्रिक से याद रख सकते हो। देखो, यहाँ लिखा है घटती अभिक्रियाशीलता, मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, तो अभिक्रियाशीलता इनकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम है। कहा था ना हमने पिछले पार्ट, मतलब पिछले जो भाग था उसमें बताया था मैंने आपको कि अगर हम पोटेशियम और सोडियम को खुला छोड़ दें तो ये क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है, मतलब इनकी जो अभिक्रिया है बहुत तीव्र गति से होती है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, और अंत में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? गोल्ड है, ठीक है। तो आप इस श्रेणी को अच्छी तरह से याद रखें। अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं हो रही है तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ कहो ना कैल्शियम, ठीक है, कहो ना कैल्शियम, मैं आज जाऊंगा फिर पंजाब, ठीक है। देखो यहां तक आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, कहो ना कैल्शियम, मैं आज जाऊंगा फिर पंजाब, कहो ना कैल्शियम, मैं आज जाऊंगा फिर पंजाब, कहो ना कैल्शियम, मैं आज जाऊंगा फिर पंजाब। कहो ना मतलब के से याद रखेंगे पोटेशियम, ना मतलब Na से याद रखेंगे सोडियम, कैल्शियम से कैल्शियम याद रह जाएगा, मैं से मांगे, मैं से मैग्नीशियम, ठीक है, आज आ मतलब एल्यूमिनियम, जाऊंगा से जिंक, और फेरस से फिर है ना, और पीबी से पंजाब। अब बच्चों आगे का कैसे याद रखोगे? आप हाइड्रोजन को छोड़ देना यहाँ पर, आप कॉपर से देखो, यहाँ कॉपर से यहाँ कन्या, मरकरी से मांगे चांदी सोना, लड़कियाँ क्या मांगती है?
कन्या जो होती है ना, कन्या लड़कियां वो क्या मांगती है? चांदी सोना मांगती है। कन्या मांगे चांदी सोना, हाइड्रोजन को छोड़ा है, कन्या मांगे चांदी सोना। कन्या से कॉपर, मांगे से मरकरी, चांदी से सिल्वर, सोना से गोल्ड। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो हाइड्रोजन को कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी तत्व है, हाइड्रोजन के ऊपर की जो भी धातुएं हैं वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक क्या है? अभिक्रिया। हाइड्रोजन से ऊपर की धातु हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, और हाइड्रोजन से नीचे की धातु है, हाइड्रोजन से नीचे की जो धातु है वो क्या है, वो कम अभिक्रियाशील है। क्या है बच्चों? कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो देखो ये एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक से आप जो आपकी धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता है उसको आसानी से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? कहो ना कैल्शियम में आज जाऊंगा फिर पंजाब, कहो ना कैल्शियम में आज जाऊंगा फिर पंजाब। फिर इसको छोड़ देंगे हम हाइड्रोजन को, कन्या मांगे चांदी सोना, कन्या मांगे चांदी सोना। तो इस ट्रिक से आपको सक्रियता श्रेणी अच्छी तरह से याद हो जाएगी, आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो समझ में आ गया सक्रियता श्रेणी क्या होती है और सक्रियता श्रेणी को किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। तो एक बार फिर, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी हमें प्राप्त होती है, जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए कहो ना कैल्शियम में आज जाऊंगा फिर पंजाब, हाइड्रोजन छोड़ेंगे, कन्या मांगे चांदी सोना, कन्या मांगे चांदी सोना। अब सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील है वो पोटेशियम है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड है। गोल्ड बोले तो सोना, यानी कि ये सबसे कम अभिक्रिया करती है। हमने पिछले मतलब पार्ट में भी पढ़ा था, और जो पिछला भाग था उसमें भी पढ़ा था कि सोना जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके सक्रियता श्रेणी की। अब बच्चों अगला और इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो है धातुएं व अधातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। धातु और अधातु जो होती हैं वो किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि धातु, जैसे धातु तो है आपके Na, सोडियम धातु है, और अधातु हैं आपके, ले लेते हैं उदाहरण के लिए, अधातु हैं आपके क्लोरीन, क्लोरीन अधातु है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है, नमक बन जाता है। ये तो सोडियम तो है धातु, और क्लोरीन क्या है? अधातु है। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो NaCl बन जाता है ना। अब ये कैसे बढ़ता है, ये अभिक्रिया कैसे करती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम हो जाती है। तो देखो यहाँ पर संयोजकता कोष, आप अच्छी तरह से जानते हो, जब मैंने केमिस्ट्री आपके स्टार्ट करी थी तब इसका बेसिक पढ़ाया था सबसे पहले, उसमें मैंने संयोजकता के बारे में अच्छी तरह से समझाया था आपको कि संयोजकता क्या होती है और संयोजकता कोष क्या होता है। ठीक है, बताया था ना मैंने, कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु में क्या होता है, केंद्र में तो होता है नाभिक, फिर इसके चारों कक्षाएं होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस प्रकार से कक्षाएं होती है। देखो परमाणु में तीन चीज़ें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं। जो मान लीजिए ये नाभिक है, इसका जो केंद्र होता है उसको नाभिक कहते हैं, नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इसकी कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पहली जो कक्षा होती है इसकी, इन कक्षाओं के नाम होते हैं पिक्स, पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरी कक्षा को एल कहते हैं, तीसरी कक्षा को एन कहते हैं और चौथी कक्षा को एम कहते हैं। पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं केवल, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरी कक्षा में भी 8 आते हैं, इसमें 18 भी आ सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी हम 8 की बात करेंगे। इस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है। तो बच्चों संयोजकता क्या होती है, किसी भी जो परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर उसकी क्या निकाली जाती है, संयोजकता निकाली जाती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है उत्कृष्ट गैसें। अब उत्कृष्ट गैस क्या होती है, मतलब उत्कृष्ट गैसें ऐसी गैसें होती है जिनकी संयोजकता क्या हो, जिनके बाह्यतम कोष की संयोजकता पूर्ण हो, जिनके बाह्यतम कोष की संयोजकता क्या हो, पूर्ण हो, उसे क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले है हीलियम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा, इधर बताऊंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि इधर आपको समझाने में आसानी रहे, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और क्लास को शेयर जरूर करें ताकि गरीब से गरीब छात्र तक ये क्लास पहुंचे और सभी गरीब छात्रों को इसका फायदा मिल सके। अब देखो बेटा उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, जैसे हम बात करते हैं हीलियम की, है ना। अब बेटा देखो हीलियम, हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, दो होता है, ध्यान है ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, दो होता है, ठीक है, एच ई होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, दो होता है। अब बच्चों परमाणु क्रमांक दो है ना, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दो है और प्रोटॉन की संख्या भी दो है, ठीक है। अब इसकी हम परमाणु संरचना बनाए तो देखो ये तो गया नाभिक और ये हो गई पहली कक्षा। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दो इलेक्ट्रॉन आने आ गए, बाकी इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और हमारे जो नियम है उसके अनुसार पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दो ही आ सकते हैं और इसकी पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी ये कक्षा पूर्ण है, इसकी कक्षा क्या है, पूर्ण है, इसलिए ये जो हीलियम है ये कौन सी गैस कहलाएगी, ये कहलाएगी उत्कृष्ट गैस। क्या कहलाएगी, उत्कृष्ट गैस कहलाएगी, ठीक है। दूसरी गैस की अगर बात करें तो नियोन की बात करते हैं, ठीक है ना, नियोन दूसरी गैस होती है, नियोन, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नियोन, नियोन मतलब एन ई, ठीक है, नियोन क्या होती है, एन ई। अब मुझे आप बताएंगे कि जो नियोन होती है, नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अब नियोन की अगर हम संरचना बनाएं तो कैसे, देखो ये तो नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा होगी, अगर इसका परमाणु क्रमांक 10 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे और प्रोटॉन भी 10 होंगे, होंगे ना। अब देखो ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहली में दो आ गए, अब बचे कितने, 8। अब दूसरे में कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दूसरी में 8 आ गए ना, पहली में 2 और दूसरी में 8, पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब हमारे नियम के अनुसार दूसरे में कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे, मतलब ये इसका जो कोष है, ये इसकी जो कक्षा है वो कंप्लीट है, इसे न तो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है न ही किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है। तो ऐसी गैसें जिनको न तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है और न ही लेने की, मतलब उनका जो अंतिम कोष है वो उन्हीं के इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो, उन गैसों को कौन सी गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है बच्चों, उत्कृष्ट के गैस कहा जाता है। एक गैस और है आर्गन, एक गैस और है भाई आर्गन, आर्गन, ए आर, आर्गन। आप देखो आर्गन जो होती है बच्चों उसका परमाणु क्रमांक मुझे आप बताएं, जिन जिनको आ रहा है वो कमेंट में लिखे, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 18, कितना होता है 18, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 18। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है ना। अब 18 है ना, अब 18 है तो देखो पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, 10 हो गए, पहली में 2 आ गए, दूसरी में 10 हो गए। अब इसके पास 10, 18 है तो 10 निकल गए तो बचे कितने, 8। तो अगली कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गए ना। अब क्या इसकी ये कक्षा भी पूरी है क्या, हाँ, तीसरी कक्षा में भी कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। इसका मतलब ये कक्षा भी इसकी क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब आर्गन जो है वो भी कौन सी गैस है, उत्कृष्ट गैसें हैं। तो आप मुझे उत्कृष्ट गैसों के उदाहरण बता सकते हो, एक तो हीलियम है, एक नियोन है और एक क्या है, आर्गन है। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है, संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जब सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखो हम सोडियम की किससे अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे। अब यही चीज
यही चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हीलियम, नियोन और आर्गन ये तो क्या है कि उत्कृष्ट गैसें हैं, तो इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है तो बहुत ही कम होती है, ये तो किसी धातु से अभिक्रिया ना मात्र ना के बराबर करते हैं, क्योंकि इनकी जो संयोजकता है वो पूर्ण है। अब जिनकी संयोजकता पूर्ण नहीं है वो क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो भाई आगे अगर हम बात करें सोडियम की, इसकी बात करें बच्चों सोडियम की, हम बात करेंगे सोडियम की, है ना। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम को लिखते हैं NSA, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11, ठीक है। अब हम इसका जो परमाणु संरचना है वो बनाते हैं इसकी सोडियम की। ये पहली कक्षा हो गई, मतलब ये तो नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, ठीक है। अब क्या होगा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं भाई, ये 2 आ गए ना पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल 11 हैं, तो 2 इसमें आ गए। दूसरी में 8 आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तो अगली कक्षा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। लेकिन तीसरी जो कक्षा है उसमें तो कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, क्योंकि नियम है कि इनकी जो कक्षाएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, इनकी जो कक्षाएं हैं ये क्या होनी चाहिए, पूर्ण, जो इलेक्ट्रॉन या तो ये किसी को दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। अब देखो इस कक्षा को पूरा होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7, 8 आने चाहिए, 1 ही है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा बल्कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम दूसरे को देता है, क्योंकि देखो 7 लेने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी और 1 देने में कम ऊर्जा खर्च होगी, तो देना आसान हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो यहाँ से ये कक्षाएँ क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्या होगी, हट जाएगी, क्योंकि कक्षाएँ तभी रहती है जब उनके पास पूरे, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पर कक्षाएँ नहीं रहती हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड, तो यहाँ से कक्षाएँ क्या होगी, हट जाएगी और इसका अंतिम कोष क्या रहेगा, पूर्ण रहेगा। तो बच्चों सोडियम क्या करता है, ये जो सोडियम है क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, इसके कारण सोडियम पर धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है फिर भी इसके ऊपर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। देखो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। अब धन आवेश कैसे आया, देखो मैंने अभी बताया था ना कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 ही रह गए ना, 10 ही रह गए ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, इसलिए इसमें जो आवेश आएगा वो कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर आप विशेष तौर से देखें, अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है, जो बेसिक मैंने पढ़ाया था वो आप जरूर देखें, तो ये चीजें आपको 100% समझ में आएगी। अब देखो यहां से संयोजकता कोष आपके कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो देखो पहले कोष में 2 आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 1 आता है, तो ये तीसरा जो 1 है ना वो किसी दूसरे को दे देगा। अब दे देगा इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। और एक चीज, और जो प्लस और माइनस है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें क्लोरीन की, ये तो थी धातु आपके, है ना, और क्लोरीन क्या है बेटा, अधातु है। क्या है, अधातु। हम बात करें क्लोरीन की तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, ये अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। अब हम इसकी परमाणु संरचना देखें तो देखो ये तो होता है नाभिक जिसमें प्रोटोन न्यूट्रॉन होंगे, परमाणु क्रमांक 17 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, ठीक है ना, दोनों 17 होंगे ना, तो ये तो नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए।
अब ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, ठीक है। अब इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे, दो। अब दूसरी में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2, 10 हो गए, बचे कितने, 7। अगली कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए ना। लेकिन इसका अंतिम कोष पूर्ण नहीं है, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने आने चाहिए, 8, इसके पास कितने हैं, 7 ही है। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ले लेगा, जैसे सोडियम एक दे रहा है तो ये सोडियम से ले लेगा या फिर किसी दूसरे से ले लेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसका अंतिम अंतिम जो कक्षा है वो पूर्ण होने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसका जो अंतिम कोष है वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना, और इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पर आ जाएगा ऋण आवेश। देखो क्लोरीन क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ऋण आवेश कैसे आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास पहले से ही 17 थे, एक और आते कितना हो गया, 18, यानी कि माइनस की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। आगे बात समझ में, अब हम देखते हैं, ये तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखो बेटा यहां पर, ठीक है, यहां से यहां समझो, ठीक है, यह दे लेते हैं, यहां ले लेते हैं। देखो ये है सोडियम, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, है ना, अभी देखा हमने, ये मैंने इलेक्ट्रॉन दर्शाया, ठीक है। अब ये किससे अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन से, यहां ले लेते हैं क्लोरीन, और इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं, एक, थोड़ा यहां ले लेता हूं मैं इसको, आप मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ऐसे। देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो दो, पहले में, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, यही होगा ना। और क्लोरीन का पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, यही होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, है ना। इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, तो ये एक देगा और ये एक लेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सोडियम लिख देते हैं, ये सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा के लिखने हैं केवल, अंतिम कक्षा के। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। ये तो है सोडियम, इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये है क्लोरीन, इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है यहाँ पर, और ये भी इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे रहा है। अब जब क्लोरीन को देगा तो जो सोडियम था उसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया ना, प्लस आवेश, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, प्लस की संख्या बढ़ गई। अब आगे देखो, अब प्लस क्या है, सोडियम है ना, प्लस ऐसे लग रहा सोडियम है। अब देखो क्लोरीन है, तो देखो क्लोरीन क्या होगा, ये Cl क्लोरीन, इसके पास पहले से 7 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक ये यहाँ से आ गया ना। जैसे ये आएगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश बन जाएगा, ऋण आवेश बन जाएगा। और ध्यान बताया था मैंने अभी, प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, एक यौगिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से धातु और अधातु क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, किसका ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, अभिक्रिया करते हैं। ध्यान से पढ़ना, संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम हो जाती है। अगर संयोजकता कोष पूरा है, जैसे नियोन है, आर्गन है और एक हीलियम है, ठीक है ना, ये तीन गैसें बताई थी मैंने, इन ये तीनों गैसें तो क्या है, बहुत ही कम अभिक्रिया करती है, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैसें हैं, इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी होती है, तो ये तो अभिक्रिया कम करती है। इसके बाद देखो, जब सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है, अभी यही कराया मैंने, सोडियम क्लोरीन की अभिक्रिया कराए,
अभिक्रिया करता है तो सोडियम परमाणु के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। सोडियम परमाणु के बाह्य कोष का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोष में ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो सोडियम परमाणु के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम परमाणु पर परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग कर देता है, तथा क्लोरीन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जिसके फलस्वरूप दो विपरीत आवेश वाले आयनों की उत्पत्ति होती है। जिसके फलस्वरूप दो विपरीत आवेश वाले आयन बनते हैं, एक तो धन आयन बनेगा और एक ऋण आयन बनेगा। ठीक है, जो परस्पर स्थिर विद्युत बल द्वारा आकर्षित होते हैं, ये दोनों एक दूसरे स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होंगे। ठीक है, इसके फलस्वरूप दोनों आयनों के बीच रासायनिक आबंध उत्पन्न होता है। इसके कारण इन दोनों आयनों के बीच रासायनिक आबंध, इन दोनों के बीच एक आबंध बन गया, एक आबंध बन गया। ठीक है, इसे बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ये जो यौगिक बना है ना, धातु और अधातु के मिलने से जो यौगिक बना, इस यौगिक को कौन सा यौगिक कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। कौन सा यौगिक कहा जाता है बच्चों, आयनिक यौगिक कहा जाता है या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। याद रखे, धातु और अधातु से की अभिक्रिया से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। और ये दोनों कौन से बंध से जुड़े रहते हैं, रासायनिक आबंध से, रासायनिक आबंध से, और परस्पर विद्युत बल द्वारा आकर्षित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से धातु और अधातु क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। समझ में आया, एक उदाहरण और देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लें, इन्हें अच्छी तरह से उतार लें सारी चीजों को। ठीक है, देखो एक उदाहरण से और समझते हैं कि धातुएं और अधातुएं अभिक्रिया कैसे करती हैं। जैसे मैंने धातु, मान लीजिए धातु ले ली मैंने मैग्नीशियम, ठीक है, धातु ले ली मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैं इसके अभिक्रिया करा रहा हूँ वापस से क्लोरीन से। क्लोरीन क्या है, अधातु है। ठीक है, अब बच्चों मैग्नीशियम Mg, आपको इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। बताओ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, क्लोरीन होता है Cl, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 17 होता है। ठीक है, अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे, पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 2 और 8 10 हो गए, बचे कितने, 2, तो तीसरी कक्षा में 2 आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 आ जाएंगे, ये होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, तीसरी कक्षा में कितने आने चाहिए थे, 8 आने चाहिए था ना, लेकिन 2 ही है, 2 ही है ना। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे, मतलब क्लोरीन को देगा यहाँ पे, तो किसी दूसरे को दे देता है। जब जैसे ये देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेशित आ जाएगा, कितना, 2+, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2+ इसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, आ गया धनावेश। अब धनावेश देखो कैसे होगा, जैसे अभी मैंने बताया था आपको सेम उसी तरह से। ठीक है, अब क्या करता है क्लोरीन, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, 1 है ना। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आवेश आ जाएगा, और ये लेगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अब देखो मान लीजिए दोनों अभिक्रिया कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, अब इसके पास अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हम यहाँ लेंगे क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है ना अंतिम कक्षा में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह ले लेते हैं 6 और ये 7। ठीक है, अब बेटा क्या करेगा, ये एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन, एक मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। ठीक है, दे दिया, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है तो क्या होगा, एक क्लोरीन और आएगा। इसके पास अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7 हैं, ये 7 हो गए, एक मैग्नीशियम ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात,
मैग्नीशियम क्या कर रहा है, दो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसके अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दे दिया। अब इसके अंतिम कक्षा में आठ हो गए और इसके अंतिम कक्षा में कितने हो गए, आठ हो गए, मतलब कंप्लीट होगी। तो क्या हुआ, इधर देखिए, मैग्नीशियम ने तो क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब इसके ऊपर दो प्लस आवेश आ गया। दो इलेक्ट्रॉन दिए तो कितना आएगा, प्लस दो आवेश आएगा। दो प्लस लिखो या प्लस दो लिखो एक ही बात है, प्लस दो आवेश आ गया, आ गया। अब देखो प्लस या प्लस, ठीक है। अब क्लोरीन ने क्या किया, ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन Cl, उसके पास कितने थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है, सात थे और एक यहाँ से आ गया, ठीक है। और ये कितने क्लोरीन थे, दो, तो मैं यहाँ दो लगा देता हूँ। क्लोरीन की संख्या कितनी थी, दो थी ना, या अलग अलग लिख दो या एक के साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, हो गया। तो देखो ये भी डबल हो गए और ये भी डबल हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो धातु बने, मतलब जो यौगिक बनेगा, वो बनेगा MgCl2। क्या बनेगा, MgCl। मैग्नीशियम तो एक है और क्लोरीन कितना है, दो है। तो इस प्रकार से धातुएं और अधातुएं क्या करती हैं, अभिक्रिया करती है। वैसे आप मुझे बता सकते हो कि हमने जब पढ़ा था तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, दो, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, एक। तो इसकी संयोजकता यहाँ आती है और इसकी संयोजकता यहाँ आती है, तो बन जाता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से धातुएं और अधातुएं क्या करती हैं, अभिक्रिया करती है, मतलब अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातु और अधातु एक दूसरे के साथ क्या कर जाती हैं, अभिक्रिया कर जाती हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, इसी प्रकार मैग्नीशियम में दो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके Mg2+ आयन प्रदान करते हैं, Mg2+ आयन प्रदान करते हैं, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 2-8 ही रह गया, दो तो इसने दे दिए। मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरीन के दो परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरीन के दो परमाणुओं से अभिक्रिया करके दो आयनिक आबंधों का निर्माण करता है, दो आयनिक आबंधों का निर्माण करता है, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड का एक उदासीन अणु प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का एक उदासीन अणु प्राप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होता है कि धातु और अधातु एक दूसरे से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो यौगिक बना, इस यौगिक को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहा जाता है बच्चों, आयनिक यौगिक कहा जाता है, या विद्युत अभी बताया था मैंने, आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं इसे, या तो आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। उतारो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो बच्चों, ये जो आयनिक यौगिक बने, किसे कहते हैं आयनिक यौगिक, धातु और अधातु के द्वारा जो मजबूत बंध से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। बनाए थे ना अभी NaCl, MgCl2। अब ये जो आयनिक यौगिक हैं, इनके गुणधर्म हम देखेंगे कि इनके क्या क्या गुण होते हैं इनमें। सबसे पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। तो बच्चों इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है वो ठोस होती है, कठोर होती है तथा भंगुर होती है। ये जो आयनिक यौगिक बनेगा, जैसे NaCl नमक बना तो कैसा होता है, ठोस होता है और कठोर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम उसको नीचे गिराएंगे ना तो वो बिखर जाएगा कांच की तरह, यानी कि भंगुर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये क्या होते हैं, मजबूत बल से जुड़े हुए रहते हैं, मजबूत आयनिक बल से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ये प्रकृति होती है, मजबूत आयनिक बंध से जुड़े रहते हैं, आयनिक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। इसके कारण ये जो यौगिक है वो ठोस होंगे, कठोर होंगे और भंगुर होंगे, कठोर होंगे, ठोस होंगे और क्या होंगे, भंगुर होंगे, ठीक है। दूसरा देखो, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, जिस भी ताप पर यौगिक पिघल जाता है, जिस भी ताप पर यौगिक पिघलने लगता है उसे तो कहते हैं गलनांक, या उबलने लगता है या पिघलने लगता है तो उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक यानी कि जिस ताप पर यौगिक से वाष्प निकलने लगती है, वाष्प, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो देखो
गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ये जो यौगिक होंगे ना, इनका गलनांक भी अधिक होगा और क्वथनांक भी अधिक होगा, क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। इसके कारण ये अत्यधिक ताप पर पिघलते हैं और अत्यधिक ताप पर वाष्प में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अगला है विद्युत चालकता। अब देखो विद्युत चालकता क्या होती है, जिसमें विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो जाए। तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये जो आयनिक यौगिक है ना, ये केवल और केवल गलित अवस्था में ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। गलित अवस्था में मतलब जैसे इनको पानी से गीला कर दिया जाए या किसी और चीज़ से गीला कर दिया जाए, तब ही इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इनमें केवल गलित अवस्था में ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला देखो घुलनशीलता। तो देखो ये जल में विलय है, ये जो यौगिक है ना जल में घुल जाते हैं, जल में आराम से घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अविलय है, केरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं घुलते हैं। तो बच्चों ये थे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।